दोस्तों, रात का आसमान साफ हो और आसमान में सितारे चमक रहे। कभी आपके मन में ये ख्याल आया है कि आखिर उन सितारों की रोशनी यानी कि लाइट को आप तक पहुंचने में कितना समय लगा है? और हमने पढ़ा है कि प्रकाश की गति तो बहुत ज़्यादा होती है, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो फिर हम तक पहुंचने के लिए इतना समय क्यों लगा है? दोस्तों, सितारों की लाइट को हम तक पहुंचने में लगा हुआ समय अरबों साल का है। इतनी स्पीड होते हुए भी ये समय इतना ज़्यादा है, और उस हिसाब से साइंस ये कहती है कि हम सितारों का अतीत देख रहे हैं, यानी कि जो रोशनी हम तक पहुंच रही है वो अतीत की है। हम पास्ट देख रहे हैं, प्रेजेंट में वहाँ पर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। क्या वो सितारे आज एग्जिस्ट करते हैं ये भी हमको नहीं पता, क्योंकि भाई हर सितारे की एक उम्र होती है। जैसे कि हमारे सूरज का जो प्रकाश है वो हम तक पहुंचने में 8.5 मिनट का टाइम लगता है, 8 मिनट 22 सेकेंड का टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो रोशनी हम देखते हैं, जो हम तक आती है, वो 8 मिनट पुरानी होती है। यानी कि हम भी सूरज का पास्ट ही देखते हैं, लेकिन 8 मिनट पुराना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर प्रकाश अपनी गति से पृथ्वी की परिक्रमा करे तो 1 सेकेंड में वो कितने चक्कर लगा लेगा। आप इस वीडियो में वो चीज़ देखेंगे और हैरान रह जाएंगे कि प्रकाश इतनी तेज़ चलता है जो हमारी समझ से परे है, हमारे सोचने से परे है। दोस्तों, हमने अभी तक कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया है, यहाँ तक कि हमने अपनी अर्थ को भी अभी तक सही से एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। समुद्री दुनिया पूरी तरीके से बाकी है, अभी हम समुद्री दुनिया से पूरी तरीके से अनजान हैं। लेकिन हम स्पेस में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्पेस में काफ़ी संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी पर हम एक नदी के किनारे पर पड़ी रेत के कण के समान हैं, वैसे ही हमारी पृथ्वी हमारी आकाशगंगा में एक कण के समान है, और हमारी आकाशगंगा हमारे ब्रह्मांड में एक कण के समान है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं अब आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, इसमें हमारी प्रकाश की एक किरण हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, और प्रकाश की एक किरण को पृथ्वी का 1 सेकेंड में 7.5 चक्कर लगा सकती है। इतनी तेज़ गति जो है वो प्रकाश की होती है। इससे हमको ये मालूम चलता है कि हमारा प्रकाश कितनी तेज़ गति से चलता है, और जबकि इतनी तेज़ गति से चलता है फिर भी हम उन सितारों की रोशनी को देखने में असमर्थ हो जाते हैं जो प्रेजेंट में हो रही है। यानी कि हम भी अपने स्टार्स का पास्ट देखते हैं। प्रकाश को पृथ्वी का 1 सेकेंड जब वो घूमेगा तो 1 सेकेंड के अंदर प्रकाश की किरण पृथ्वी के 7.5 ऑर्बिट्स लगा लेगी, यानी 7.5 टाइम्स वो राउंड अप कर लेगा पृथ्वी की ऑर्बिट में, अगर वो प्रकाश की गति प्रकाश की किरण से चलता है तो। कहने का मतलब ये है, इतनी ज़्यादा स्पीड है, और प्रकाश से ज़्यादा स्पीड अभी तक कोई नहीं हो पाई है। यदि हम प्रकाश की गति प्राप्त कर लेते हैं तो हम अतीत भी देख सकते हैं और हम भविष्य भी देख सकते हैं। दोस्तों, आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डेली डोज बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।